वहीं कवर्धा जिले के पंडरिया स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम परिसर में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि संकल्प शिविर में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। बता दें डिप्टी सीएम सिंहदेव ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने 45 विधानसभाओं में सर्वे कराया है, वहां सरकार के पक्ष में वातावरण बेहतर होना और सरकार के काम से संतुष्ट होने की बात लोगों ने कही है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार सिर्फ चावल के नाम पर राजनीति करती थी और हमारी सरकार ने कर्ज माफी की और कमिश्नर खोरी को खत्म किया है। ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने भी अपनी ओर से सर्वे भी कराए, बहुत जगह सर्वे कराए। मैंने भी अपने तरफ से करीब 45 विधानसभाओं का सर्वे कराया और ये देखने को मिला कि अमूमन बल्कि शत प्रतिशत, ये मैं किसी प्रचार के लिए नहीं कह रहा, ये एजेंसियां हैं, ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ी रहती जो सर्वे करती है, और हर विधानसभा में जहां सर्वे कराया वहां सरकार के पक्ष में वातावरण बहुत बेहतर बताया गया। कम से कम 70%, 60% से कम कहीं भी नहीं लोगों ने ये कहा कि हम सरकार के काम से संतुष्ट है, सरकार अच्छा काम कर रही है। ये एक पहलू हुआ।